राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया। आज का ये दिन उसी तप त्याग और संकल्प का प्रतीक है। ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम राम रामाय नमः। जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत श्री राम जी से की है। जी हाँ, क्योंकि रामचंद्र जी हर जगह हैं, आप में भी हैं, मुझ में भी है, हर में विद्यमान है। और 22 जनवरी नज़दीक आ रही है, सिर्फ दो दिन रह गए शेष, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आप सबको भी उतनी ही खुशी हो रही होगी जितनी मुझे हो रही है, क्योंकि हमारे रामचंद्र जी अपने भव्य महल में, हमारे लिए तो मंदिर है लेकिन वो उनके लिए महल है, वहाँ विराजमान होने जा रहे हैं। 1990 से जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो 22 जनवरी 2024 को पूरा होने जा रहा है। जितने भी राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, आज उन सभी के सपने जो हैं वो साकार हो रहे हैं और राम जी अपने महल में विराजमान होंगे। राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, तो मैंने सोचा आज मुझे जो खुशी हो रही है वो आप सबके साथ शेयर करूँ। मैं अपने वीडियो के माध्यम से ही आपको अपनी खुशी जाहिर कर सकती हूँ और आप सब तक अपनी बात पहुँचा सकती हूँ। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि दो दिन शेष हैं और हर जगह राम जी की ही चर्चा है, हर न्यूज़ में, हर बात में, हर किसी की जुबान पे राम जी का ही नाम है। तो सोचा अपने वीडियो के माध्यम से मैं अपनी खुशी आप तक पहुँचाऊँ। और 22 जनवरी को अपने घर पर दीपावली ज़रूर मनाइएगा। हर साल तो हम दिवाली बनाते ही हैं लेकिन 22 जनवरी की दिवाली कुछ स्पेशल है, कुछ खास है, कुछ विशेष है, क्योंकि इस दिन हमारे रामलला जी अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। मैं तो 22 जनवरी को दिए खरीदने जाऊंगी और दीपावली जरूर मनाऊंगी और आशा करती हूँ आप सभी भी दीपावली जरूर मनाएंगे राम जी का स्वागत करने के लिए। तो गाइस, अपने शब्दों को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। जय श्री राम। हमारा तो एक ही राजा है, राम है। बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता।